जैसे मंदिर में प्रसाद बांटता है ना, वैसे गाड़ी चलाने के लाइसेंस बांटे जाते हैं इंडिया में। क्या हुआ क्या भाई? क्या बताओ यार, क्या खूबसूरत आइटम जा रही थी रास्ते पर, क्या मदमस्त हुस्न था उसका। रुक मत, आगे बोल। मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा। वाह वाह, आगे? सोचा जाकर उठा लूं और चूम लूं उसे डायरेक्ट। हाँ, और मैं उसकी तरफ बढ़ने ही लगा था कि अचानक एक रिक्शा कुचल के चली गई उसको। अरे रे, जल्लाद रिक्शा वाला। फिर क्या, तड़पती रही रास्ते पर, उसकी पूंछ ऐसे फड़फड़ाने लगी। अरे रे, पूंछ भी फड़फड़ाने लगी। क्या भाई, लड़की को पूंछ थी? अबे लड़की नहीं, बिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। शाबाश, क्या बताओ यार, क्या मस्त आंखें थी उसकी। नहीं छोड़ूंगा, आज तो उन लंड बुद्धि गाड़ी चलाने वालों की खोल के बजाऊंगा। देख, मैं सभी रिक्शा वालों से नफरत नहीं करता, कुछ अच्छे भी होते। लेकिन कल मैं अपने बाइक पे सीधा शांत जा रहा था, मेरे बगल से एक रिक्शा भी सीधी शांत जा रही थी। अचानक उस रिक्शा वाले को रास्ते के उस साइड पर कोई भाड़ा दिखा। भोसड़ी ने 90 डिग्री में डायरेक्ट परपेंडिकुलर टर्न मारा। मैंने जो इमरजेंसी ब्रेक मारा, मेरे टट्टे जाके बाइक के टंकी पर टकरा गए। मेरे अंडों का ऑमलेट बन गया, गले में जान लटक गई थी मेरी। इसीलिए मैं रोज क्रिकेट का गार्ड पहनकर गाड़ी चलाता हूँ। मुझे एक बात बता, सिग्नल में जब येलो वाली लाइट ऑन होती है तो हम क्या करते, गाड़ी स्लो करते, बराबर? हमारे देश में इससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जैसे ही येलो सिग्नल दिखा, हम गाड़ी और जोर से भगाएंगे ताकि रेड लाइट लगने से पहले निकल ले। फिर आगे जाकर इनको जो ग्रीन सिग्नल मिलता है, गाड़ी सीधा भगवान के स्टेशन पर ही रुकती है। दिल, टट्टे और सिग्नल टूटने के बाद आदमी खलास। जब हम रेड लाइट पे गाड़ी स्टॉप करके ग्रीन सिग्नल का इंतजार करते, कुछ बहन के टके पीछे से हॉर्न बजाएंगे। मन करता है वही हॉर्न निकाल के उनकी गांड में घुसड़ दूं। ये वही लोग होते जो घर से जल्दी जल्दी निकलने के वक्त पेशाब करना भूल जाते। अब ये एक्सीडेंट देख। अबे हट साले, पानी पीना है मेरे को, प्यास लगी है बहुत जोर से। अबे चुती है, यहाँ गला सूख रहा है मेरा, तू कहाँ बीच में घुस रहा है, चल हट, जाने दे मेरे को, हट साले हट बे। अबे तू रोकेगी मेरे को पानी पीने से? मैं पीऊंगा पानी, कोई नहीं रोक सकता मेरे को। अबे क्यों परेशान कर रहे हो यार, बहुत प्यास लगी है हमको, हमरे को पानी पीने दो यार। अबे छोड़, तू मेरे को पानी पीना यार छोड़, साले आज तो मैं पानी पी के रहूंगा, पानी पानी पीना है मुझे, पानी पानी पानी। गई बेस पानी में। एक चीज बहुत पसंद है मुझे हमारे देश के लोगों की, ये कभी भी एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड वालों को रास्ता नहीं देंगे। तुम कितना भी सायरन बजाओ, हम तो कान में लोड़ा फंसा कर गाड़ी चलाते। अच्छा है, हमारे देश की पॉपुलेशन घटाने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हमारे गाड़ी चालक। ताली बजाओ, कान के नीचे ताली बजाओ इनके। अगर मैं एम्बुलेंस चला रहा होता तो कुचल देता सबको। तुझे पता है हमारे देश में इतना ट्रैफिक क्यों होता है? गलती ट्रैफिक सिस्टम की भी नहीं और लोगों की भी गलती नहीं। 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है हमारे देश की। हमारे देश के लोगों को बच्चा पैदा करने का बहुत शौक है। शादी हुई नहीं कि बच्चा चाहिए, पहली बेटी हुई तो फिर से बच्चा निकालेंगे जब तक बेटा ना हो जाए। क्यों? क्योंकि वंश आगे बढ़ाना है। मुझे एक बात बताओ, ये वंश को आगे बढ़ाकर कहां लेके कहां जाना है? गान में घुसेड़ना है, रेस लगी है? और शादी करने के बाद बच्चे पैदा क्यों करने होते हैं तुम लोगों को? अगर आपको बच्चों का इतना ही शौक है तो इतने सारे बच्चे अनाथालय में गोद ले लो। मैं तो बोलता हूँ सरकार को एक कानून बनाना चाहिए, जब तक अनाथालय के सारे बच्चे खत्म नहीं हो जाते कोई बच्चा पैदा नहीं करेगा। किया तो डायरेक्ट नसबंदी, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। भाई आज मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा। वाह बोलना मजनू बोल। वो जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है ना रोड पे, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी जेब्रा को उसके ऊपर से रोड क्रॉस करते हुए नहीं देखा। मार रहे, मार साले को मार। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, नहीं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चलो निकलो। I have you now.